नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की कवर स्टोरी। कीर्ति किसान यूनियन के बैनर तले किसानों द्वारा आज गुरदासपुर के कस्बा गाहलेडी से ट्रैक्टर रोस मार्च निकाला गया। यह रोस मार्च गाहलेडी से शुरू होकर दीनानगर में जाकर समाप्त हुआ। यह ट्रैक्टर रोस मार्च केंद्र की भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाला गया। किसानों का कहना था कि यह प्रदर्शन केंद्र की सरकार के खिलाफ है, जिसने किसान विरोधी बिल पास किए। अगर केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल रद्द ना किए तो हमारा संघर्ष दिल्ली तक जाएगा और आने वाली 9 तारीख को देश की 250 किसान जानते बंदिया की तरफ से देशव्यापी रोष प्रदर्शन किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। चैनल राई सरकार तक सारे किसानों की आवाज जी पहुंचा, अज इतने किसान का इकट्ठ होया। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का। अज जो सेंटर सरकार जी है तो नॉर्डिनेंस लैके आई है, वो संबंध में सारे किसान इतने इकट्ठे हुए हैं। जिहड़ा इन्होंने इतों रोस मार्च चालू करके दीनानगर जाना, वो इस करके कर रहे हैं कि किसान मारू जिहड़ा आ आर्डिनेंस लैके आए उन्होंने वापस लवे। ये जे इन्होंने इहो जिहा काम करता तो जिहड़ी किसानी है वह तबाह हो जाएगी। साडे किसानां दे कोल ना तो जमीनां रहणगियां ना कुछ। ये साडे कुछ लोग जिहड़े ने ये सोच रहे हैं कि कल्ला किसानी नाल ही हो रहा, जिहड़े साडे मजदूर भरा ने उन्हां नाल भी धक्का होगा, जिहड़े दुकानदार ने जदों किसानी मर गई तो दुकानदार भी मारे जाणगे। किसान जथेबंदियां वल्लों पूरे पंजाब दे ट्रैक्टर मार्च किए जा रहे हैं और ये केंद्र सरकार के BJP के और अकालियों के मौजूदा और सबका MLA या मंत्री संसद मैंबर या प्रधान उन्होंने घर वालों जरा असं ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। वजह यह है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बहाने थले पिछले दिनों के 3 खेती विरोधी जोड़े कानून पास किए ने, जिन्हों सरकारी भाव बनने वाला जोड़ा रवायत खत्म कर लगी है, सरकारी खरीद बंद कर लगी है, जिनसा के भाव बनने तो पहले ही मुकर चुकी है, कर्जा माफ कर तो पहला मुकर चुकी है। हूँ जरा सानू कंपनियों के हवाले करके आते, उन्होंने गल करो, उन्होंने वेचो तो उन्होंने मुताबिक फसलों बीजो।